तो आए चलते हैं व्हाइट बोर्ड की तरफ क्वेश्चन नंबर सिक्स में जो अल्जब्रैक फ्रैक्शन हमारे पास किवन है इसको पार्शल फ्रैक्शन में रिसोल्व करना है अब यहाँ पे देखा जा सकता है जो अल्जब्रैक फ्रैक्शन एक्स प्लस टू इन टू एक्स स्क्स फोर यहाँ पे जो एक्स स्क्स फोर है वो हमारे पास एक नॉन रिपीटेड इड्यूसेबल क्वाट्रेटिक फैक्टर है तो यहाँ पे जो रूल नंबर थ्री है वो अप्लाई होगा रूल नंबर थ्री में हमने क्या पढ़ा था कि अगर हमारे पास एक अल्जब्रक फ्रैक्शन है और उसके डिनोमिनेटर में नॉन रिपीटेड इन रेड्यूसेबल क्वारेटिक फैक्टर्स आ जाएँ दैन उनको पार्शियल फ्रैक्शन में कैसे रिजोल्व किया जाता है ये हमने रूल नंबर थ्री में ऑलरेडी पढ़ा हुआ है तो यहाँ पे जो अल्जब्रक फ्रैक्शन गिवन है इसको सबसे पहले पार्शियल फ्रैक्शन में रिजोल्व करते हैं सबसे पहले हमारे पास आ जाएगा एक्सक्वेयर ओवर एक्स प्लस टू इन टू एक्सक्र प्लस फोर किसके तो सबसे पहले जो रूल नंबर वन है वो अप्लाई होगा तो ये आ जाएगा ए ओवर एक्स प्लस टू एंड देन एक नॉन रिपीटेड इरेड्यूसेबल क्वाड्रेटिक फैक्टर है उसके लिए क्या आ जाएगा बी एक्स प्लस सी ओवर एक्स स्क् प्लस फोर अब यहाँ पे हमने अलजबरक फ्रैक्शन को पार्शल फ्रैक्शन में रिसोल्व कर लिया है अब हमने क्या करना है ये जो कॉन्स्टेंट्स हैं ए बी एंड सी इनको फाइन करना है और उनकी वैल्यूज को इसी इक्वेशन में पुट करके जो हमारा फाइनल रिजल्ट आएगा वो निकालना है तो सबसे पहले इस इक्वेशन को नेम देते हैं इक्वेशन का नेक्स्ट हमारा जो स्टेप है वो क्या होगा लेफ्ट साइड पे जो अल्जबरक फ्रैक्शन है उसके डिनोमिनेटर से दोनों साइड्स को मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ पे लिखते हैं सबसे पहले मल्टीप्लाइंग With x plus 2 into x square plus 4, तो सबसे पहले जो लेफ्ट हैंड साइड है इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास आ जाएगा x square over x plus 2 into x square plus 4, और ये मल्टीप्लाई हो जाएगा x plus 2 into x square plus 4 से इसी तरह राइट हैंड साइड भी मल्टीप्लाई होगी तो जो पहला फ्रैक्शन है वो आएगा सबसे पहले a ओवर x plus 2 और ये मल्टीप्लाई होगा एक्स प्लस टू इंटू एक्स स्क्स से एंड देन जो दूसरा फ्रैक्शन है वो लिखते हैं बी एक्स प्लस सीवर एक्स स्क्स और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे प्लस फोर से अब हम इस इक्वेशन को थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो ये हमारे पास आ जाएगा लेफ्ट हैंड साइड पे देखा जा सकता है एक्स प्लस टू एक्स प्लस टू से कैंसिल एक्स 4, 4 से कैंसिल एंड राइट हैंड साइड पे जो पहला फ्रैक्शन है उसमें x 2, x 2 से कैंसिल एंड दूसरे फ्रैक्शन में 4, 4 से cancel, तो, है, उनको लिख लेते हैं हमारे पास आ जाएगा एक्स स्क्स इक्वल टू ए इंटू एक्स स्क्स फोर प्लस बी एक्स प्लस सी इंटू एक्स प्लस टू अब इस इक्वेशन को नेम देते हैं इक्वेशन टू का अब हम यहाँ पे क्या करेंगे जीरो 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 मेथड कर हमारे पास इक्वल टू जीरो और एक्स यहाँ पे किसके इक्वल आ रहा है माइनस टू के अब एक्स इज इक्वल टू माइनस टू को क्वेश्चन नंबर टू में पुट करते हैं इक्वेशन नंबर टू हमारे पास क्या बन जाएगी लेफ्ट साइड पे आ जाएगा माइनस टू क्वल टू ए इंटू माइनस टू स्क्वेर प्लस फोर प्लस बी इंटू माइनस टू प्लस सी इंटू माइनस टू प्लस टू देन थोड़ी सी सिंप्लीफिकेशन कर लेते हैं तो ये आ जाएगा माइनस टू स्क्वेयर इज फोर इज इक्वल टू ए इंटू माइनस टू स्क्वेर इज फोर और जब ये फोर इस फोर में एड होगा तो ये आ जाएगा एट और यहाँ पे देखा जा सकता है माइनस टू प्लस टू इज जीरो एंड जब जीरो इस टर्म से मल्टीप्लाई होगा तो ये पूरी टर्म अगेन क्या हो जाएगी जीरो के इक्वल तो इसको लिखने की जरूरत नहीं है ए हमारे पास हम देख सकते हैं किसके इक्वल आ रहा है फोर ओवर एट के विच इज इक्वल टू वन ओवर टू तो ए आ गया हमारे पास वन ओवर टू के इक्वल नेक्स्ट हमने जो दूसरे अननोन्स हैं बी एंड सी उनको फाइंड करना है अब उनको फाइंड करने के लिए हम जीरोस मेथड को अप्लाई नहीं कर सकते बिकॉज एक्स प्लस टू को हम ऑलरेडी जीरो के इक्वल पुट करके एक्स की वैल्यू फाइंड करके हम ए को फाइंड कर चुके हैं लेकिन अगर एक्स स्क्वायर प्लस फोर को हम जीरो के इक्वल पुट करेंगे तो एक्स की दो वैल्यूज आएंगी हमारे पास तो यहाँ पे अब जीरोस मेथड एप्लीकेबल नहीं हो सकता तो अब हम क्या करेंगे जो हमारे पास सेम पावर्स वाले वेरिएबल्स हैं उनके कॉफिशेंट्स को कंपेयर करेंगे लेकिन उससे पहले जो क्वेश्चन नंबर टू है इसको ओपन करके लिख लेते हैं क्वेश्चन नंबर टू को ओपन करने के बाद हमारे पास क्या आएगा लेफ्ट साइड पे एक्स स्क्वायर आ जाएगा इक्वल टू ए एक्स स्क्वे प्लस फोर ए प्लस बी एक्स प्लस टू बी एक्स प्लस सी एक्स प्लस टू सी सबसे पहले जो एक्स स्क्वायर के साथ कॉफिशेंट हैं उनको कंपेयर करते हैं अब लेफ्ट साइड पे एक्स है और उसके साथ क्या मल्टीप्लाई हो रहा है One, तो जो है वो क्या आ जाएगा वन और किसके इक्वल आएगा ए प्लस बी के इक्वल बिकॉज ए एंड बी दोनों के साथ एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई हो रहा है तो यहां पे आ जाएगा ए प्लस बी नेक्स्ट हम कॉफिशेंट कंपेयर करते हैं एक्स के लेफ्ट साइड पे एक्स की कोई टर्म है ही नहीं तो यहां पे जीरो आ जाएगा एंड राइट साइड पे हमारे पास क्या आएगा टू बी प्लस सी नेक्स्ट हम कंपेयर करते हैं कांस्टेंट्स को तो कांस्टेंट्स के लिए यहां पे सी लिख रहे हैं अब लेफ्ट साइड पे कोई कांस्टेंट है ही नहीं तो यहां पे जीरो आ जाएगा एंड राइट साइड पे हमारे पास क्या आएगा फोर ए प्लस टू सी अब हम ए को ऑलरेडी फाइंड कर चुके हैं तो इन इक्वेजन्स को यूज करके एंड ए की वैल्यू को पुट करके हम बी एंड सी फाइंड कर सकते हैं सबसे पहले हमारे पास ये वाली जो इक्वेशन है विच इज ए प्लस बी इज इक्वल टू वन इसको यूज करके बी को फाइंड करते हैं तो यहाँ पे जो ए की वैल्यू है विच इज वन ओवर टू उसको पुट कर देते हैं और ये प्लस हो रहा है बी के साथ एंड दिस इज इक्वल टू वन अब यहाँ से हमारे पास बी किसके इक्वल आ गया वन माइनस वन ओवर टू एंड देन इसको सॉल्व करने के बाद बी आ गया किसके इक्वल वन ओवर टू के इक्वल अब हमारे पास ए एंड बी आ चुके हैं नेक्स्ट हमने सी को फाइंड करना है और हम इन दोनों equations में से कोई एक यूज करके सी को फाइंड कर सकते हैं तो यहाँ पे ये जो सेकंड नंबर पे क्वेश्चन लिखी है इसको यूज करते हैं और इसमें बी की वैल्यू पुट करके सी को फाइंड करते हैं तो यहाँ पे आ जाएगा टू इन टू वन ओवर टू प्लस सी इज इक्वल टू जीरो टू से टू कैंसिल तो सी इक्वल आ जाएगा माइनस वन के इक्वल अब हमारे पास ए बी एंड सी आ चुके हैं अब इन तीनों की जो वैल्यूज हैं उनको क्वेजन नंबर वन में पुट करते हैं ताकि हमारा जो फाइनल रिजल्ट है वो आ सके ए बी एंड सी को क्वेश्चन नंबर वन में पुट करने के बाद हमारे पास आ जाएगा एक्स स्क्र ओवर एक्स प्लस टू इन टू एक्स स्क् प्लस फोर इज इक्वल टू ए की जगह क्या आ जाएगा वन ओवर टू ओवर एक्स प्लस टू प्लस b की जगह आ जाएगा हमारे पास वन ओवर टू इंटू एक्स प्लस सी की जगह आ जाएगा माइनस वन ओवर एक्स स्क्स अब इसी इक्वेशन को थोड़ा सिंप्लीफाई करके लिखते हैं लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास एज इट इज आ जाएगी एक्स x प्लस टू इंटू एक्स स्क्वायर प्लस फोर एंड राइट साइड पे हमारे पास आ जाएगा वन ओवर टू इंटू एक्स प्लस टू प्लस वन ओवर टू इंटू एक्स माइनस टू अब यहां से न्यूमरेटर में हमने वन ओवर टू कॉमन ले लिया तो ये हमारे पास आ गया ओवर टू इंटू एक्स माइनस टू और ये डिवाइड हो रहा है एक्स 4 से अब इसको एक और दफा लिख लेते हैं सिंप्लीफाई करके हमारे पास आ जाएगा एक्स स्क्वेयर ओवर एक्स प्लस टू इंटू एक्स स्क्स फोर इज इक्वल टू वन ओवर टू इंटू एक्स प्लस टू प्लस एक्स माइनस टू टू इंटू एक्स स्क्स फोर ये आ गया हमारे पास हमारा फाइनल रिजल्ट जिसमें जो अल्जब्रेक फ्रैक्शन है उसको हम पार्शियल फ्रैक्शन में रिजोल्व कर चुके हैं नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर सेवन विच इज वन ओवर एक्स क्यू प्लस वन अब हमारे पास ये जो अल्ज्रैक फ्रैक्शन है इसको पार्शियल फ्रैक्शन में रिसॉल्व करना है अब यहाँ पे देखा जा सकता है सबसे पहले x क्यू प्लस वन है तो यहाँ पे फॉर्मुला अप्लाई हो रहा है किसका a क्यूब प्लस बी क्यूब का ये फॉर्मूला हम पिछली क्लासेस में पढ़ चुके हैं हमारे पास क्या फॉर्मूला था a क्यू प्लस बी क्यूब इक्वल होता है a प्लस बी इंटू ए स्क्वेयर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वेयर अब इसी फॉर्मूला को एक्स क्यू प्लस वन पे अप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास किसके इक्वल आ जाएगा वन ओवर एक्स प्लस वन इन टू एक्स स्क् माइनस एक्स प्लस अब यहां पे देखा जा सकता है जो x प्लस वन है वो तो एक लीनियर फैक्टर है लेकिन एक्स स्क्र माइनस एक्स प्लस वन क्या है एक क्वाड्रेटिक फैक्टर है दैट इज नॉन रिपीटेड एंड इूसेबल अब इसको पार्शियल फ्रैक्शंस की फॉर्म में लिख लेते हैं तो ये आ जाएगा a ओवर एक्स प्लस वन प्लस बी एक्स प्लस सी ओवर एक्स स्क्वेर माइनस एक्स प्लस वन और इसको नेम देते हैं इक्वेशन वन का नेक्स्ट हम क्या करेंगे इक्वेशन वन में जो लेफ्ट हैंड साइड पे फ्रैक्शन है उसके डिनोमिनेटर से दोनों साइड्स को मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहां पे लिखते हैं मल्टीप्लाइंग एक्स प्लस वन इंटू एक्स स्क्वेर माइनस एक्स प्लस वन तो लेफ्ट साइड पे हमारे पास क्या आ जाएगा वन एंड साइड पे हमारे पास आ जाएगा ए इंटू x माइनस एक्स प्लस बी एक्स प्लस सी इंटू एक्स प्लस वन अब हम क्या करेंगे सबसे पहले तो इस इक्वेशन को नेम देते हैं टू का देन हम क्या करेंगे इस पे जीरो मेथड अप्लाई करेंगे और उसका क्या तरीका है हमारे पास ये जो लीनियर फैक्टर है इसको हम जीरो के इक्वल पुट करके एक्स को फाइंड करेंगे और एक्स की जो वैल्यू आएगी उसको वापस इस इक्वेशन में पुट करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा एक्स प्लस वन इज इक्वल टू जीरो और एक्स यहाँ से क्या आ रहा है माइनस वन के इक्वल अब माइनस वन को इक्वेशन नंबर टू में एक्स की जगह पुट करेंगे और देखते हैं क्या आता है हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड पे तो हमारे पास आ जाएगा वन एंड राइट हैंड साइड पे हमारे पास आ जाएगा ए इंटू माइनस वन स्क्वेर

मल्टीप्लाई होगा तो अगेन क्या हो जाएगा जीरो के इक्वल तो इसको लिखने की जरूरत नहीं है अब हम यहाँ पे सिंप्लीकेशन करते हैं थोड़ी सी और ए को फाइंड करते हैं तो ए हमारे पास किसके इक्वल आ जाएगा वन ओवर थ्री के इक्वल नेक्स्ट हमने फाइंड करना है बी एंड सी अब बी एंड सी फाइंड करने के लिए हम इस क्वेश्चन पे जीरो नहीं अप्लाई कर सकते तो क्या करेंगे जो सेम पावर्स वाली वेरिएबल्स हैं उनके को कंपेयर करेंगे लेकिन उससे पहले क्वेश्चन टू को ओपन करके लिख लेते हैं तो लेफ्ट साइड पे तो हमारे पास क्या आ जाएगा वन ही आ जाएगा एंड राइट हैंड साइड पे हमारे पास क्या आ जाएगा ए एक्स स्क्वे माइनस ए एक्स प्लस ए प्लस बी एक्स स्क्वे प्लस बी एक्स प्लस सी एक्स प्लस सी यहाँ पे हमारे पास ये एक इक्वेशन आ चुकी है जो हमारे पास इक्वेशन नंबर टू को ओपन करके आई है तो सबसे पहले कॉफिडेंस कंपेयर करते हैं एक्सक्वेयर के अब लेफ्ट साइड पे तो एक्सक्वेर वाली कोई टर्म नहीं है तो यहाँ पे सीरो आ जाएगा एंड राइट साइड के लिए हमारे पास क्या आ जाएगा सबसे पहले ए प्लस बी तो यहाँ पे लिखते हैं ए प्लस बी तो ये बन गई हमारे पास पहले इक्वेशन विच इज ए प्लस बी इज इक्वल टू जीरो अब हम कॉन्फिडेंट्स कंपेयर करते हैं एक्स के अब अगेन एक्स की कोई टर्म है ही नहीं लेफ्ट साइड पे तो यहाँ पे जीरो आ जाएगा एंड राइट हैंड साइड पे हमारे पास आ जाएगा माइनस ए प्लस बी प्लस सी तो यहाँ पे लिख देते हैं माइनस ए प्लस बी प्लस सी अब हम कंपेयर करेंगे कॉन्स्टेंट्स को तो कॉन्स्टेंट्स के लिए सी लिखते हैं यहाँ पे लेफ्ट साइड पे जो कॉन्स्टेंट है वो क्या है वन एंड राइट साइड पे जो कॉन्स्टेंट है वो है ए प्लस सी तो सबसे पहले ये जो पहली इक्वेशन है इसको यूज करके हम बी को फाइंड करते हैं ए की वैल्यू हम ऑलरेडी फाइंड कर चुके हैं और इसी इक्वेशन के अंदर ए को पुट करते हैं तो ये आ जाएगा वन ओवर थ्री प्लस बी इज इक्वल टू जीरो तो बी हमारे पास किसके इक्वल आ गया माइनस वन ओवर थ्री के नेक्स्ट हम फाइंड करते हैं सी को तो हमारे पास ये जो दो रिमेनिंग एकजन हैं इन दोनों में से हम किसी एक को भी यूज़ करके सी फाइंड कर सकते हैं तो यहाँ पे जो सेकंड इक्वेशन है उसको यूज़ करते हैं सबसे पहले आ जाएगा माइनस इन टू ए और ए हमारे पास क्या है वन ओवर थ्री प्लस बी विच इज माइनस वन ओवर थ्री प्लस सी इज इक्वल टू जीरो ये हमारे पास क्या हो जाएगा माइनस वन ओवर थ्री चुकी है अब इनको में कर देते हैं. तो लेफ्ट एंड साइड पे हमारे पास आ जाएगा वन ओवर एक्स प्लस वन इन टू एक्स स्क्वे माइनस एक्स प्लस वन इज इक्वल टू ए की जगह आ जाएगा वन ओवर थ्री ओवर

और ये इक्वल आ जाएगा वन ओवर थ्री इंटू एक्स प्लस वन माइनस एक्स माइनस टू ओवर थ्री इंटू एक्स स्क्वे माइनस एक्स प्लस वन तो ये आ गया हमारे पास हमारा फाइनल रिजल्ट अब इसमें हमारे पास जो अल्जेब्रिक फ्रैक्शन गेमन था उसको हमने पार्शियल फ्रैक्शंस में रिजॉल्व कर लिया है स्टूडेंट्स आज के लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 4.3 का क्वेश्चन नंबर सिक्स एंड क्वेश्चन नंबर सेवन कंप्लीट कर लिया है नेक्स्ट लेक्चर में हम कोशिश करेंगे ये एक्सरसाइज भी कंप्लीट हो जाए मैं उम्मीद करता हूँ आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा मिलते हैं फिर अगले लेक्चर में